180 सामाजिक संगठनों ने भव्य रैली के साथ सांसद प्रफुल्ल पटेल का सत्कार किया। इस वक्त भव्य रैली निकालकर आतिशबाजी भी की गई। शरद पवार जी के बाद देश के नेता पूर्व केंद्र मंत्री सांसद प्रफुल्ल पटेल के गोंदिया आगमन पर दोपहर को चंद्रपुर हनुमान जी की पूजा अर्चना पश्चात तुमसर मोहाड़ी कबलेवाड़ा होते हुए भव्य बाइक रैली तथा जगह जगह आतिशबाजी कर जंगी स्वागत किया गया। इस अवसर पर विधायक विनोद अग्रवाल, विधायक मनोहर चंद्रिकापुरे, विधायक राजू कारेमोरे, पूर्व विधायक राजेंद्र जैन, नरेश माहेश्वरी, उपसभापति यशवंत गणवीर, पूर्व विधायक भैरव सिंह नागपुरे, दामोदर अग्रवाल, मुनीश्वर राहंगडाले, वरिष्ठ समाज सेवी प्रमुखता से उपस्थित थे। करीबन 180 जिले के सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों ने पटेल इनका जाहिर स्वागत किया। सांसद पटेल ने अपने 32 वर्षों के कार्यकाल में लोकसभा राज्यसभा में अपना योगदान दिया। आगामी गोंदिया भंडारा जिले के अनेक विकास कामों में राजनीति से दूर रहकर विकास करने का उन्होंने आश्वासन देकर लोगों में दोनों जिले का दायित्व उन्हें दिया गया। उसी प्रकार विधायक विनोद अग्रवाल, विधायक राजू कारेमोरे ने पटेल इनके कार्यों की भूरी प्रशंसा की। जिन लोगों का स्वागत हो चुका है आप सभी के पंचायत राजनीति के मैं निवेदन करता हूँ कि आप सभी स्वागत करेंगे, स्वागत होने देंगे कि दूसरी संस्था है प्रफुल्ल है आप सभी का स्वागत। विनोद अग्रवाल ने कहा कि 32 साल हो गए और अगले 6 साल, बात तो सही है, 38 साल कोई छोटा सफर नहीं होता है, अभी होने को है लेकिन अब होने वाला है, अब वो कोई भी ले नहीं सकता। मनोहर गौर ने बोला मैंने वोट दिया, राजू कारेमोरे ने वोट दिया, तुमने तो वोट भी नहीं दिया। पर मैंने वोट मांगा नहीं, अब वो तो तुम्हारी वो विवेक पे होना चाहिए था कि मैंने तो वोट देना भी नहीं। मैं आपको सही बता रहा हूं, हंसी मजाक की बात नहीं है। कोई लोगों को लगता है ना कि किसी को 48 वोट मिले, किसी को 44 मिले, किसी को 43 मिले, किसी को 42 मिले। ये राज्यसभा की चुनाव में ऐसा कुछ नहीं होता है, मिले कुछ नहीं होता है, पार्टी बैठ के तय करती है। हमारी पार्टी के पास 53 वोट है, चाहूं तो मैं पूरे 53 वोट मैं भी ले सकता हूं, मगर हमने गठबंधन में तय किया था कि हमने 42 वोट, 41 जीतने के लिए काफी है, 42 वोट लो और बाकी के वोट जो हमारे मित्र पक्ष है उनको दो ताकि उनको भी जीतने के लिए मदद हो। इस तरह से वोटों का बंटवारा होता है। कोई ये गलत फहमी में मत रहे कि वोटों को ऐसे ही लोगों को मिल जाते हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा विनोद और मनोहर भाव और राजू तुम तीनों या हो, मैंने 42 वोट ही लिया था, 43वां वोट किसका निकला वो अभी तक मुझे मालूम नहीं। अब तू जवाब दे दे मेरे को। पर ये भी मैं बोलता हूँ, जाहिर बोलता हूँ कि 43वां वोट विनोद अग्रवाल का नहीं था। ये चुनाव एक पार्टी में जो एक व्यक्ति काम करता है उनको राजनीतिक जीवन से दूर नहीं करने के लिए राज्यसभा एक माध्यम है। अब आप लोगों ने दूर कर दिया, अब हंसते सब है, अभी वोट देने के टाइम पे भूल जाते। चार बार दिया और जब नहीं दिया तो लोगों को लगा कि प्रफुल्ल भाई को तो अपने घर में भेज दिया। मगर ऐसे भी तो होते हैं ना कि जो वोट नहीं देने के बाद और सामने वाला हारने के बाद बड़े खुश भी हो जाते हैं, ऐसे भी होते हैं, कम होते होंगे गोंदिया भंडारा जिले में, लेकिन ऐसे होते।
उनके लिए मेरा एक ही जवाब है कि वो तो मेरे हाथ में लिखा है कि मैं यहीं रहूंगा, ये आपके हाथ में नहीं है कि वो मेरी खुशी आपकी। मैं इसलिए भी बोल रहा हूं ये, और ये पूरी दुनिया जो है ये मनोहर भाई पटेल के घर में मेरा। गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट।